अबे आपके नए टॉपिक रोड सेफ्टी है, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं बताता हूँ आपको बोर्ड में। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, और क्लास नाइन्थ के, टेंथ के और एट्थ का पूरा कोर्स चाहिए, चाहे वो CBSE है, NCERT है, तो कमेंट कर सकते हैं कहीं भी, मैं वहाँ पर आपको लिंक सेंड कर सकता हूँ, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना 9636368864 पर। कोर्स के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास जवाब नहीं है, जो मेरे पास होगा मैं सेंड कर सकता हूँ। 8, 9, 10th का है, 11, 12th कॉमर्स का है। अब आता है इस चैप्टर पर, रोड सेफ्टी का। यहाँ पर आपके टोटल तीन क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपके एक नंबर का, दूसरा भी एक नंबर का, और तीसरा आता है आपके दो नंबर का। यह आता है क्वेश्चन नंबर 9, यह आता है क्वेश्चन नंबर 10, और यह होता है क्वेश्चन नंबर 15। टोटल तीन क्वेश्चन आएंगे और नंबर होंगे आपके चार नंबर। और लास्ट ईयर थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स आ गया था, लेकिन हर बार आउट ऑफ कोर्स एक चैप्टर से नहीं आता है, जो आपके बुक में दे रखे हैं उसी में से आएगा। आउट ऑफ कोर्स आने के चांस 0% है, आते ही नहीं है। एक आधी बार को एक दो क्वेश्चन आ जाए आ जाए, लेकिन जो आपके बुक में होता है वही आता है। अब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है, ये सब आपके बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-9 क्वेश्चन ही है, उनको तैयार कर लो तो आराम से आ जाता है। जैसे PUC की फुल फॉर्म बताना, या फिर 19, 20, 21 को लगातार बोलते ना, 19, 20, 21 कितना टाइम लगा, उसमें लगा है आपको 1 सेकेंड लगा। या फिर आपके क्वेश्चन आ जाए कि अवरोध दूरी ज्ञात करना, दूरी सूत्र आता है ना आपके, रुकने की दूरी ज्ञात करना, अवरोध दूरी प्लस जो सूत्र दे रखा है आपके सवाल में, वो आपको सूत्र लेना है, रुकने की दूरी ज्ञात करना। या पीछे एक टेबल भी दे रखी है आपको, उस टेबल में मान ज्ञात करना एक नंबर का आता है। एक नंबर कोई भी PUC का आ सकता है, ये आ सकता है, या फिर एक नया क्वेश्चन भी दे रखा है, मीटर स्क्वायर 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, चाल दे रखी है आपके 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी आपके दे रखा है, एक सवाल है उसका, वो भी है। एक है आपके, एक ए है और एक बी है, यहाँ तक पहुँचना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो बीच में यहाँ पर 10 खंभे भी लगे हुए हैं, उस पर कहीं पर 1 मिनट रुक रहा है, कहीं पर 2 मिनट रुक रहा है, तो वो हमें दूरी याद करना, टाइम याद करना, उसमें समय याद करना, कितना टाइम लगेगा, समय याद करना। या फिर एक पॉल का आता है, अगर देखो पॉल का बड़ा पूछ ले कि मतलब कि आपको ये पॉल है 12 मीटर का, कितना दूर देख सकते हैं 13 मीटर, अगर पूछ लिया एरिया तो आपके दो नंबर का आ सकता है। केवल डिस्टेंस पूछे ये वाला, ये कितना होगा, तो सिंपल ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करके कर सकते हो। तो इसमें यही क्वेश्चन है ज़्यादातर जो आपके एग्जाम आते हैं, जो हाफ इलिम जो अर्धवासी माए, लाल बत्ती पीली बत्ती का ऐसा कुछ आता है ना क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में नहीं आते बोर्ड में, कभी भी 30 क्वेश्चन नहीं आता कि लाल बत्ती नहीं लगने पर जुर्माना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं। बोर्ड में जो दे रखे हैं अभी तक तो यही क्वेश्चन आए हैं इन्हीं में से, और एक वो जो क्वेश्चन आया है आपके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन अगर अलग से बन भी जाता है तो वो आएगा आपके AP का 5वें पार्ट का है, उसी को ही क्वेश्चन को यहाँ पर रोड सेफ्टी बना दी। जैसे भी लास्ट ईयर आया था वो आपके 5वें पार्ट का था, लास्ट ईयर NCERT, तो उस क्वेश्चन को लेकर बना दिया है। फिर भी मेरे पास क्वेश्चन होंगे तो मैं सारे क्वेश्चन रोड सेफ्टी से संबंधित सारे IMP मैं एक पेपर पे डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरा PDF मैं इसका लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जब सारे डिस्क्रिप्शन सारे लिंक हो जाएंगे क्लियर एक बार, फिर मैं इसका एक साथ एक कम्बाइंड वीडियो बनाऊंगा, फिर वो आप देखकर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी ये मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको नेट पर डाल दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, और लिंक को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी कोर्स चाहिए 8, 9, 10th का, इस नंबर पर ले सकते हैं, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिलेगा आपको, वीडियो तो नहीं मिलेंगे, उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप YouTube से देख सकते हो, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें मेरे BCom का भी कोर्स है, कॉमर्स का भी कोर्स दे रखा है, अकाउंट का दे रखा है, और मैं 11th मैथ की ट्राई कर रहा हूँ, होगा नहीं मुझसे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि 11th मैथमेटिक्स भी डालूँ, लेकिन जितना मुझसे होगा उतना मैं 11th मैथमेटिक्स का कोर्स अपलोड करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, इसमें और इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा लगे तो प्लीज़, यही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बाहर के आने वाला नहीं है। धन्यवाद।